नमस्कार, बिहार अपडेट्स में आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से आज एक दिन का जनता कर्फ्यू था, आज 9 बजे रात को ही जनता कर्फ्यू खत्म होने वाला है। लेकिन बिहार के लिए एक बड़ी खबर ये है कि आज से 31 मार्च तक बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने आज 3 घंटे बैठक की है अपने अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री आवास में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जिस तरह से एक अन्य मार्ग में भी बैठक चल रही थी, और बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं वो आपको मैं बता दूं कि पूरा बिहार लॉकडाउन रहेगा कोरोना की वजह से, क्योंकि एक पेशेंट की मौत हो गई है पटना में कोरोना की वजह से। बिहार में ये पहला मौत था, उसके बाद एक और पॉजिटिव केस पाया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई। आपात बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि बिहार को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, जो जो चीज़ इस लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे उसमें से आपको मैं बता देता हूँ, चिकित्सा सेवा आपको प्रभावित नहीं रहेगा, दूर संचार सेवा आपको मिलेगी उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बैंक खुले रहेंगे, ATM खुले रहेंगे, ये सभी सेवा आपको चालू रहेंगी, दूध और खाने पीने के सामान वो आपको मिलेंगे, किराना दुकान खुले रहेंगे, फल सब्जियाँ की दुकान खुले रहेंगी, दवा की दुकान खुले रहेंगे, दवा के जो आइटम है वो मिलेंगे आपको, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, LPG गैस एजेंसी जो है वो खुली रहेंगी, गैस की किल्लत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, जो पोस्ट ऑफिस है वो खुले रहेंगे, ई कॉमर्स कंपनियां खुली रहेंगी, यानी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको जो महत्वपूर्ण काम है वो आप कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है इस लॉकडाउन के दौरान कि जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर सबसे अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हैं वो घर पर ही रहें, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री ने एक संदेश भी दिया है, जरा सुनिए। कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है, हम सब इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, आवश्यक सावधानियां भी बरती जा रही है, किंतु इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना नितांत आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद किया गया है, परंतु आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने की प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं CNG स्टेशन, बैंकिंग एवं ATM पोस्ट ऑफिस तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं एवं इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है। बिहार के तमाम लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दें। जब भी संकट का समय आया है तो हम सब ने सभी लोगों के सहयोग से उस पर सफलता पाई है। संकट की इस घड़ी में सरकार सभी लोगों के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सब लोग एक जो रहने का है घर के अंदर, उस पर ध्यान दें, इधर उधर अनावश्यक आने जाने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित सारे मामलों की जानकारी दी जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से भी, तो इन सब चीज़ों पर ख्याल रखें और हम सब लोग मिलकर
इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं और इसमें कामयाब होंगे।